लेकिन क्या सुषमा बड़ाइक ने इन्हें कुछ इनपुट दिया था, कुछ जानकारियां इन्हें दी थी? अच्छा, ये बताइएगा कि सुषमा बड़ाइक में जो गोलियां चली है, आपको कुछ जानकारी थी इसको लेकर कि सुरक्षा को लेकर कुछ बात कर रही हैं आपसे या फिर कुछ धमकी उन्हें मिल रही थी? ये रिजवान के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पूछे है, होश में थी थोड़ा सा, तो ये बताए कि आज करके तमाम जो उनके परिवार वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सुषमा बड़ाइक के 3 बच्चे हैं। जब वो प्रेस वार्ता करती थी तो तीनों बच्चों का जिक्र तो वो जरूर करती थी कि अगर मुझे कुछ होगा तो वो 3 बच्चों को कौन पालेगा। हालांकि हमेशा वो मीडिया पर यही सवाल करती थी कि अगर मेरी जान कल को जाती है तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। हालांकि इसको लेकर लगातार वो सवाल भी खड़े करती थी, बॉडीगार्ड की मांग करती थी। जरूर उनकी बहन, हम उनसे बात करेंगे। कुछ आपको जानकारी वो दी थी कि उनको कुछ धमकी मिल रही है या फिर कुछ ऐसा? हाँ, हम लोग 4-5 दिन पहले ही हमारे फादर भी बोले हुए थे और वो भी उसको शक लगा था, जहाँ वो लालपुर में रह रही है वहीं के कुछ लोग जो चेहरा तो नहीं पहचानती है लेकिन ये बोल रहे थे कि इसका बॉडीगार्ड को मार देंगे और इसकी बेटी के साथ गलत कर लेंगे तो कौन क्या बिगाड़ लेगा इस तरह का। उनकी बच्ची को लेकर के ये वर्ड बोला गया था। और 15-20 दिन पहले उसके घर में भी 4-5 लड़का लोग गया था और उसका दरवाजा तोड़फाड़ किया है, मारने का धमकी दिया था। वो थाना में ये कंप्लेन करवाई थी, दर्ज करवाई थी? हाँ, प्रशासन को पूरा जानकारी है इस बात का क्योंकि वो बोली हुई थी और नगर निगम को भी सूचना दी थी कि मैं इस घर में सेफ नहीं हूँ, मेरा पानी बिजली सब काट दिया जा रहा है, मेरे साथ अंदरूनी कांड किया जा रहा है, सो मुझे यहाँ पे सेफ्टी ये किया जाए। और इसका 3 बॉडीगार्ड है, एक नाइट के लिए है लेडी है और डे के लिए जेंट्स है जो आज उसके साथ था, जो उसको भी गोली छूकर निकल गई है। तो काफी परेशान थी, अभी मेरे घर में ही थी और 2-4 दिन पहले मेरे घर से वो हटी है, पापा के पास आना जाना कर रही थी और इसी दरमियान उसको शक था कि हमारे पे कुछ हो सकता है। और मेरे फादर बोले हुए भी थे कि टारगेट तो हम सभी परिवार है, कब किस पे गोली चलेगा ये कहना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हमेशा डरी हुई रहती थी, सहमी हुई रहती थी और उनका कहना था कि अगर मेरी जान जाती है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लगातार धमकी मिल रही है, अगर मेरी जान जाती है तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, क्या यही डर उन्हें हमेशा सताता था? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, दानिश रिजवान का एक बेटा है जो काफी मुश्किल से वो पाल रही है और बेटा का मेंटल स्थिति सही नहीं है, जिसके कारण हम लोगों भी सहायता करते हैं लेकिन हम लोग भी रोज कमाने वाले, सरकारी नौकरी तो है नहीं, सोशल वर्कर से कितना पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं ना, तो जो संभव होता था हम लोग हेल्प करते थे। और उसको जो खाना खाने के लिए हम लोग जो पैसा देते थे ना, वो पैसा वो कोर्ट कचहरी में इन्वेस्टमेंट करती थी। वो बहुत मुश्किल से अपना केस मुकदमा लड़ रही है और धमकियां। तो जानकारी कब मिली कि उन्हें गोली लगी है? अभी 9 बजे मैं बेड पे ही थी, मेरी तबीयत खराब थी तो कॉल आया कुछ लड़कों का वहाँ से, जो दोस्त है मेरे भाई का, वो फोन किया कि तुम्हारी बहन यहाँ पे गिरी हुई है। मेरा भाई दौड़े दौड़े गया तो देखा कि गोली लगा हुआ है और तुरंत इमिडिएटली। अच्छा, वो आपने अभी एक जिक्र किया कि वो आपके घर में 3 दिन पहले थी, हालांकि अभी वो कहीं और रह रही हैं, तो क्या वो 3 दिन के दरमियान कभी उनको कॉल आया, लगातार कॉल, धमकी आ रही है कि आपको जान से मार देंगे, ऐसा आपने सुना कभी? हाँ, उसको मोबाइल फोन में आता था धमकी, वो बोली थी। रिएक्शन उस वक्त होता था? बहुत डरी हुई रहती थी वो, डर के ही आती जाती थी हम लोगों के पास। हम लोग भी बोलते थे कि थोड़ा शाम के समय में सावधानी बरतो, क्योंकि समाज में एक बार लोग बदनाम हो जाते हैं ना तो समाज पूछने नहीं आता है कि आज खाया नहीं खाया, कहाँ जा रही है मरी जी। यही हमारी समाज की विडम्बना है कि एक दुखी महिला को ध्यान नहीं देता है लोग, दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ देता है। हालत जो भी था, लेकिन वो तीनों बच्चों को अच्छे से पाल रही थी। वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर कहती थी कि मैं तीनों बच्चों को पालूंगी और पढ़ाऊंगी अच्छे से। बिल्कुल पढ़ा रही है, उसका बड़ा बेटा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और उसकी बेटी अभी मैट्रिक का एग्जाम लिखने वाली है। कहाँ है तीनों? एक बेटा वो आया हुआ है, बेटी स्कूल गई थी तो अभी माँ के पास में है और बेटा भी उसका भी माँ के पास में है। कुछ अंदर से इनपुट मिला कि कैसी है वो, क्या है? सही नहीं है, गोली फंसा हुआ है अंदर में। जब गोली फंसा हुआ तो अभी सीटी स्कैन के लिए ले गए हैं, एक्सरे में पता नहीं चल रहा था कि गोली किस जगह फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि सुबह 9 बजे अपने बॉडीगार्ड को वो लेकर गई, ठीक है, तो क्या काम था, कुछ ऐसा पता आपको कि 9 बजे सुबह क्या काम से निकली थी? कोर्ट जा रही थी, आज डेट था। अच्छा, आज कोर्ट में डेट था, हाई कोर्ट में, इसलिए बच्चों को हम माँ के यहाँ छोड़ करके वो कोर्ट के लिए निकली थी और उसके बीच गोली लगा है इसको। मतलब स्थिति अभी मतलब नाजुक है स्थिति, अभी 2 बार ब्लड तो चढ़ा चुके हैं और अभी ब्लड की जरूरत है तो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि रिम्स ले जाया जा रहा है, तो रिम्स से कैसे फिर मेडिका?
रिम्स रेफर कर दिया। हम लोग भी रिम्स में गए थे, तो सबसे पहले तो सुनने में आया, प्रशासन ने बताया शायद कि रानी चिल्ड्रेन ले जाया गया, तो मैं रानी चिल्ड्रेन गई, वहाँ पता चला कि नहीं यहाँ नहीं, रिम्स में ले गया गया है। तो फिर रिम्स में पता की तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ से रेफर कर दिया गया है मेडिका। मुझे मैं मेडिका देखी भी नहीं थी, आज ढूंढने में मुझे बहुत कष्ट हुआ है और अभी आई हूँ। अच्छा, जो तीन बच्चों का आपने जिक्र किया, उन लोगों कितने बड़े बड़े, एक तो ग्रेजुएशन में है और दो छोटी छोटी हैं क्या? एक है 14 साल की है और लड़का है जो है 10 साल का। अच्छा, जहाँ वो रहती थी तीनों बच्चे को साथ लेकर रहती थी? साथ में रहती थी, लालपुर लोअर बाजार के पास में साथ में रहती थी वो। अच्छा, और अभी जहाँ अपने पापा के पास वापस गई थी, तीनों बच्चों को लेकर गई थी, तो जब उनको धमकी मिलती थी, घर में लोग घुस जाते थे, तो क्या तीनों बच्चे उस वक्त रहते थे? हाँ, साथ में थे बच्चे। जब धमकी मिला ना तो हम लोग उसको बुला लिए, मतलब वहाँ पे पता नहीं टाइम से प्रशासन आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ तक कि वहाँ का प्रशासन भी बोला कि मैडम हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, यहाँ का माहौल खराब है, आप यहाँ से अभी कुछ दिन के लिए साइड हो जाइए, प्रशासन खुद बोला था। और वो मेरे यहाँ मेरे पास रह रही थी। अच्छा, दो तीन कोर्ट जाने के लिए वो निकली थी तो क्या किन्हीं से बात की थी वो? आज तो मेरे से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पापा से बात की होगी, ये जानकारी सुबह का बात नहीं है कि हाँ इतना जानकारी है कि वो आज कोर्ट था उसका। तो आपको लगातार हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के मेडिका हॉस्पिटल की, जहां पर सुषमा बड़ाइक फिलहाल इलाज के लिए उन्हें यहां पर रेफर किया गया है। हमारे साथ उनकी बहन मौजूद थी, उन्होंने सारी जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार सुषमा बड़ाइक को धमकी भरे कॉल्स आते थे, जिससे सुषमा बड़ाइक काफ़ी डरी हुई रहती थी। तीनों जो बच्चे हैं वो भी डरे हुए रहते थे और इनका कहना है कि लगातार वो प्रशासन को अपने तमाम चीज़ों से अवगत कराने की भी कोशिश करती थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कहा गया था कि फिलहाल यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाए, जिसको लेकर वो अपने पिताजी के आवास में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन आज वो सुबह कोर्ट जा रही थी और कोर्ट जाने के दरमियान उन्हें गोली लगी है। फिलहाल वो इलाज कराने के लिए उन्हें राजधानी रांची के मेडिका अस्पताल में लाया गया है। और जो इनकी जानकारी से हमें प्राप्त हुई है कि इन्होंने कहा है कि फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है, गोली जो है वो फिलहाल फंसी हुई है। तो लगातार हम आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे कि सुषमा बड़ाइक फिलहाल कैसी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।